सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले राज्य की राजनीति, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के एक ट्वीट से गर्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने अब इस मामले में एक्शन लेते हुए 41 जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बीजेपी की विधि प्रकोष्ठ ने न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि कांग्रेस इकाई के चीफ कमलनाथ के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई है। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट पर दावा किया था कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के एक संघ ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया था कर्नाटक की भ्रष्ट भाजपा सरकार 40% कमीशन वसूलती थी। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से हटाएगी। बताया गया है कि प्रियंका गांधी और कमलनाथ के खिलाफ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 41 जिलों में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं इंदौर में ADCP राम स्नेही मिश्रा ने कहा कि कुछ भाजपा नेताओं ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कहा गया है कि कुछ कांग्रेस नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाएं डाल रहे हैं और इससे उनके यानी कि बीजेपी नेताओं की छवि खराब हो रही है। जांच चल रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन में प्रियंका गांधी और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के नाम का उल्लेख किया गया है। खुद पर FIR दर्ज किए जाने की खबरों के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हजारों मुद्दे हैं, बीजेपी कितने मामले दर्ज करेगी? जब भ्रष्टाचार सामने आ गया है तो उनके पास क्या समाधान बचा है? मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने MP के CM शिवराज सिंह को अलविदा कहने का फैसला लिया है। क्राइम ब्रांच DCP सुधीर कीर्ति सोमवंशी ने बताया है कि 50% कमीशन वाले में इंदौर के बाद भोपाल में भी FIR दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव, जयराम नरेश, शोभा ओझा और ज्ञानेंद्र अवस्थी की सोशल मीडिया ID के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत पर FIR दर्ज की गई। बीजेपी भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के खिलाफ IPC धारा 469, 500 और 501 के तहत क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।